Hey, good morning guys, welcome to my channel. आज हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को काम है मेडिकल्स का. Have to get my medical certificate. और फिर हम जाएंगे मैड डॉग की या फिर हॉक्स लैम्स लगवाने. कौन सी लगवाऊँगा बताता हूँ. एंड चलो चलते हैं. I'm already late. यार वो एक्चुअली पिछले मेरा ना गोपो की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मेरे पास रिचार्जिंग का ऑप्शन नहीं था, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो मैं माइलेज का एक्चुअली वरना प्रॉपर प्रूफ दिखाता, बट मेरी खतरनाक माइलेज आई है दोस्तों, खतरनाक. तो मैंने फुल टॉप अप करवाया था जब, तो फुल टॉप अप जब करवाया था तब मेरा मतलब ऑटो रीसेट किया था ना ट्रिप मीटर. फिर उसके बाद में जब वापस मैंने यहाँ पर नोएडा आने के बाद में भरवाया तो ओडोमीटर रीडिंग थी 316.6 एंड फ्यूल भरा 10 लीटर्स एग्जैक्टली 10.01, तो माइलेज आती है ऑलमोस्ट 31.7, 32 km/h की माइलेज मिली है मुझे हाईवे पे. मतलब दिस इज लाइक मैडनेस. आज जाऊंगा यहाँ पे करोल बाग एंड एक मुझे चार्जर लगवाना है एंड एक मुझे ऑक्स लैम्प्स का काम है. तो ये पता करने के लिए मैं जाऊंगा. पीपीएफ कोटिंग का देखेंगे कभी कहीं और कराएंगे यार. तो या ट्रैफिक है, ट्रैफिक हो गया भाई, रश रश. पावरेज के एग्जॉस्ट इतने माइल्ड हैं कि डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते लोग, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा. डीबी किलर्स लगे रहो सालो, ऐसा थोड़ी है. ये देख लो अंकल खड़े हैं, यहाँ से निकलेंगे अभी हम. ये देख लो कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब. डीवी किलर्स के बिना तो दिक्कत कर सकते हैं ये थोड़े से, वो भी शॉर्ट टाइप है मेरे, तो चुप करेंगे ही करेंगे. इतनी प्यारा साउंड है ना इसका कि चलाने वाले को भी मज़ा आता रहेगा. ऐसा नहीं है, ये देख लो चलाने वाले को भी मज़ा है, सुनने वाले को भी तकलीफ नहीं है. ये है पावर रेंज के एग्जॉस्ट में खासियत. तो ये अपनी प्रीतो पे लग रहे हैं भाई मैड डॉग अल्फा. एंड वी आर एट करोल बाग गोल्डन बाइक के पास. भाई ने अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है. और सब कुछ मैड डॉग का ही लगवाया है, क्लैंप्स एंड एवरीथिंग, वायरिंग एंड एवरीथिंग. सही है, बढ़िया लगेगी अभी बाइक का.
और एक USB चार्जर लगवा रहा हूँ वो भी सिमटेक का है। तो आफ्टर दिस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड एंड चलो ये लगने के बाद में अभी तो फिलहाल इनको यूज़ नहीं है क्योंकि सिटी राइड रहेगी मेरी, बट वापस जाते वक्त पंजाब तब मेरी नाइट राइड रहेगी, तो उस टाइम पे आपको पूरा रिव्यू मिलेगा मैड डॉग लाइट्स का। बाइक गंदी हो गई है धूल मिट्टी से। बाय द वे ये जो बाइक जहाँ से मैं लगवा रहा हूँ गोल्डन बाइक्स करोल बाग में, इसका मैं एड्रेस डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सही है भाई, बढ़िया है, चाय वाय भी पिला दी भाई साहब ने। So we are done with the installation part. Mad Dog की alpha lights लगवाई हैं मैंने and एक USB port लगवाया मैंने for charging. As you can see मैंने phone charge हो रहा है और एक SimTag का flasher लगवाया है और gear change का वो cover लगवाया है। normal shoes पहनो ना जब तो उनकी हालत हो जाती है, तो अभी तो मेरे पास राइडिंग बूट्स है भी नहीं, तो एंकल लेंथ शूज़ है मेरे पास, तो उसकी भी हालत हो रही है, तो इसके लिए वो लगवा लिया मैंने। ओके चलो गाइस ऑलमोस्ट रीच्ड होम, अभी ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। का टायर हो गया है ख़त्म आई फील, भाई साहब 8000 किलोमीटर चल रही है विदाउट टायर स्टॉक चार्ज में, या तो पंचर वंचर हो गया है कुछ हो गया है। ये देखो हमारा हो गया है टायर पंचर, ठीक है अब बाइक चलाना मुश्किल ही नहीं। और वो सामने है पंचर वाले की शॉप बाइक लिटरली ओके दिस इज नॉट राइट, उतर के चलाना पड़ेगा। आया टायर हो गया है दोस्त पंचर, फ्लैट हो गया टायर, लुक एट दिस। अभी लेके जाना है फॉर्च, किस्मत देखो भाई वो है प्रीतो ने, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रीतो ने धोखा दे दिया, धोखा तो दे दिया वैसे प्रीतो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बट सही टाइम पे आके दिया है धोखा भी। ओह यही रह गया था बस व्लॉग के एंड में ख़त्म करने के लिए हैं। कौन कहता है ये जो भाई साहब अपना हो गया है
खतरनाक वाला पंचर हमारी जो क्या बोलते हैं नोजल है वही डैमेज हो गई भाई। कहते हैं ट्यूब बेकार हो गई, बस लगेगा भी नया ट्यूब डालेंगे, देखते हैं। तो भाई साहब फाइनली पंचर बन गया है, पसीने निकल गए मेरे भी, लड़कों के तो निकल ही गए जो लोग लगा रहे थे। एंड इट वाज लाइक भाई साहब एक घंटा लग गया। पीछे का टायर खोलना आसान है, बैठाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो बिना टायर खोले ही अगर काम बनता है तो ऑलवेज़ गो फॉर दैट। मेरे तो चलो ट्यूब निकालनी, ट्यूब ही रिप्लेसमेंट करनी थी तो ये तो करना ही था। बट ऑलवेज बी केयरफुल। रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही बेकार सिस्टम बनाया यार, और ऊपर से उसका चलते चलते में ही पता नहीं कैसे पंचर तो था, पंचर हुआ होगा एंड देन थोड़ा सा मैंने पंचर में चला दिया, शायद उसकी वजह से वो टूट गया होगा। बट क्या फनी है वो है, इसका परेशान कर देता है यार, फनी तो क्या ही है। फाइनली तो अच्छा हुआ घर के पास में ही हुआ, नहीं तो